राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद का अल्ट्रा आक्यूलर लेंस ऑपरेशन शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार लगातार सजग है। गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय द्वारा नेत्र शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा तथा ऑपरेशन कराने वाले मरीजों को आने और जाने का किराया भी अस्पताल द्वारा दिया जाएगा। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ करके पूरे देश को स्वास्थ्य लाभ के लिए एक साल में 5 लाख रुपए देने का काम किया है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप चलते कितने लोग हैं यहाँ अंदर? दो लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं। हाँ, और कितने लोग हैं यहाँ? कौन कौन लोग हैं वहाँ? जिन लोगों के एप्लीकेशन ले क्या मामला है? सबके एप्लीकेशन ले लिया, जिनका छेद है तत्काल बना के मेरे पास भिजवाइए, उसको भी ले चलिए दस आप उधर चले जाइए। अरे जनाब उधर भाई चले थोड़ा आप लोग आइए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय में पुण्यतिथि है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपनी श्रद्धा सुमन अवैधनाथ जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये ऑपरेशन के लिए विशेष शिविर में उपस्थित है कालीबाड़ी के मोहन जी, गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सिंह सिन्हा जी, चिकित्सालय के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर सिंह जी, नेत्र रोग विभाग के प्रभारी डॉक्टर सुशांत कुमार जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय के सभी चिकित्सा अधिकारीगण और उपस्थित सभी यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, इस शिविर नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद के ऑपरेशन का आयोजित किया गया है। आज इस चिकित्सालय के संस्थापक महंत आदित्यनाथ जी महाराज की चौथी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उस क्रम में आज नेत्र परीक्षण का मोतियाबिंद के ऑपरेशन का एक विशिष्ट शिविर भी यहाँ पर लगाया गया। आप सब जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय की स्थापना 2003 में हुई थी और 2003 से लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश में सही सस्ती और विश्वसनीय चिकित्सा सेवा के लिए चिकित्सालय ने अपना एक स्थान बनाया।
पर चिकित्सालय के द्वारा स्वास्थ्य मेलों का आयोजन भी किया जाता रहा है। रविवार के दिन चूंकि स्वास्थ्य मेलों का आयोजन होता था, आज शनिवार है, विशेष नेत्र शिविर का आयोजन यहाँ पर अपने संस्थापक ब्रह्मलीन गौरव सफेदाधिकर के लिए महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए आयोजित किया गया है। इस नेत्र शिविर की जो विशेषता है कि आपके नेत्र का परीक्षण होगा, नेत्र के परीक्षण के बाद जो भी मरीज चिन्हित किए जाएंगे उनकी जांच फ्री में होनी है। जब डॉक्टर आपको बुलवाएंगे उस दिन आप यहाँ पर आएंगे और पूरी जांच निःशुल्क होगी। जिन मरीजों को एडमिट किया जाना है उनको भी एडमिट करके कोई भी बेड चार्ज नहीं लिया जाएगा, उनका ऑपरेशन होगा। नतिया बिंद का नैस प्रत्यारोपण का ऑपरेशन करने के बाद यहाँ पर जो भी जितने भी दिन रुकना होते हैं, रुकने के बाद उन्हें चश्मा दवा के साथ साथ जाने का किराया भी चिकित्सालय के द्वारा वापस लिया जाएगा। किसी को भी नेत्र ज्योति प्रदान करना यह एक ईश्वरीय कार्य है, थोड़ा पुण्य का कार्य है और पुण्य के कार्य के साथ एक नागरिक को जिसको मोतियाबिंद के कारण खुजला खुजला दिखाई देता है, दिखाई नहीं दे पा रहा है, उसके लिए एक नया जीवन देने जैसा भी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सुधार हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 23 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुभारंभ किया है, जिसमें हर गरीब परिवार को, जिस परिवार के पास अपने स्वास्थ्य के लिए कोई साधन नहीं था, उन परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। पहली बार हो रहा है जब गरीबों के बारे में उन्हें स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें मकान दिलाने की व्यवस्था हो रही है, घर घर में जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय दिए जा रहे हैं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं उन्हें बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, जिनको पेंशन मिलना है वो वृद्धा है, कोई उनके पास है नहीं, कोई भी निराश्रित है उनको वृद्धा पेंशन, जो विधवाएं हुए उनको विधवा पेंशन, जो दिव्यांग है उनको दिव्यांग पेंशन। यानी शासन की हर योजना का लाभ गरीब को बिना भेदभाव देने का कार्य आज देश और प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज आप सब इस नेत्र परीक्षण शिविर में आए हैं। गोरखनाथ चिकित्सालय का अपने संस्थापक ब्रह्मलीन महंत पूज्य महंत रविन्द्रनाथ जी महाराज के प्रति यह उनकी श्रद्धांजलि है। मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि बहुत संक्षिप्त सूचना पर चिकित्सालय ने मेरे कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के लिए मैं चिकित्सालय की व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि चिकित्सालय अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान देगा। आज के शिविर के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।